आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। डीसी लेह श्रीकांत सुसे, जो जिला स्तरीय समीक्षा समिति डीएलआरसी के अध्यक्ष भी हैं, ने आज डीसी सम्मेलन हॉल में सितंबर 2021 की तिमाही के अंत के लिए लेह जिले की डीएलआरसी और जिला सलाहकार समिति डीसीसी की बैठक की अध्यक्षता की। मुस्लिम यूथ विंग पदम द्वारा शुरू और आयोजित जांगस्कर सब डिवीजन के पदम टाउन में तकर आइस रिंक में बच्चों के लिए बेसिक आइस स्केटिंग ओरिएंटेशन सह प्रशिक्षण शुरू किया गया। आज प्रशासनिक सचिव यूटी लद्दाख श्री रविंदर कुमार आईएएस ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी विभागों की बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली सरकार की स्कूल प्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए सीईसी फिरोज खान ने आज दिल्ली के विभिन्न सरकारी स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों और स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की। सीईसी ने दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना की और कारगिल में इसे दोहराने की इच्छा व्यक्त की। पोयन के युवाओं द्वारा एमएमए स्वर्ण पदक विजेता मुर्तजा अली खुदम का भव्य स्वागत। उन्होंने एक चैंपियन जहाज मुंबई में लद्दाख का प्रतिनिधित्व किया और लद्दाख के लिए स्वर्ण पदक जीता। टीएसजी कारगिल लद्दाख के प्रमुख धार्मिक विद्वान आगा सैयद बाकिर के अंतिम संस्कार में हजारों ने भाग लिया। संसद सदस्य लद्दाख जमयांग असेंग नामग्याल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से कृषि आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने और निर्यात करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल के बारे में सवाल किया। अब कोविड-19 समाचार। यूटी लद्दाख में कोविड-19 सक्रिय मामलों की कुल संख्या 181 है, लेह में 151 मामले और कारगिल जिले में 30 मामले। डीसी श्रीकांत ने जल जीवन मिशन कार्यों की स्थिरता की जांच के लिए नुब्रा घाटी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम की कड़ी मेहनत के लिए रात में -13 डिग्री तापमान के बावजूद ठंड की कोई समस्या नहीं है और ग्रामीणों को सर्दियों में आसानी से पानी मिल रहा है। स्कंपुक गांव से वीडियो। कार्यकारी पार्षद स्वास्थ्य एवं शकर चिक्तान पर्यटन विकास समिति के संरक्षक मोहसिन अली की अध्यक्षता में शकर चिक्तान उपमंडल पर्यटन विकास समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज परिषद सचिवालय में पर्यटन के कार्यकारी पार्षद से मुलाकात की। जांचकर प्रतिनिधिमंडल ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी से मुलाकात की और निमो पदुम दारचा सड़क को जल्द पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपा। पुर्गी भाषा के उपयोग पर इस्लामिक धार्मिक विद्वान के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला फस्कती जब्यांगदार बसीज ए रूहानियून आईकेएमटी के सहयोग से बज में अदब आईकेएमटी द्वारा कॉन्फ्रेंस हॉल आईकेएमटी कारगिल में शुरू हुई। प्रमुख सचिव योजना वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग डॉक्टर पवन कोतवाल ने आज 5 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के प्रस्ताव के लिए लेह के पांग और खरनाक में भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बने रहिए एसटीवी लद्दाख के साथ, आवाज घर घर की।